सर इधर सर, दोनों दोनों साथ में सर, दोनों साथ में, लेफ्ट में सर, इधर फेस थोड़ा सर, सर इधर लेफ्ट में सर प्लीज, इधर इधर राम राम सर, राम राम, आराम से भाई, अपने भाई, ये भाई रुक जा, भाई रुक जा, ले 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 सर के पास टाइम नहीं होगा यार, भाई मेरे लिए ना यार, बोले भाई मेरे लो ना उनके साथ, एक 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 बहुत बड़ा फैन हूँ यार, बहुत फिल्म देखता हूँ, थैंक यू सो मच सर, भाई ओ भाई यार, और सिनेमा की दुनिया थ्रू दी आईज एंड थ्रू द स्टूडियो सिस्टम और प्रोड्यूसर की चेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो आपके जो स्टार कास्ट है, आपके जो स्टार है, उनके कैरेक्टर कैसे आप हैंडल करते हैं? मैं तो हैंडल ही करता हूँ, जो हैंडल करते थे वो अभी यहाँ नहीं है, मिहिर चले गए, लेकिन और अर्चित वो चले गए, तो कितना टैंट्रम हमने दिया है उनको और कितनी तकलीफें दी हैं उनको, वो मिहिर करण और अर्चित ही बता पाएंगे। नहीं पहला नहीं है, मैं दूसरा है, मैंने बाढ़ ब्लड भी किया था। आई थिंक क्योंकि इतने सालों में जब से ऑब्वियसली OTT का एडवेंट रहा है, मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट पढ़ी हैं, बहुत सारे ऑफर्स मैंने रिजेक्ट भी किए, मुझे लगा कि अगर मुझे एक ऐसा शो करना है जो एक क्लटर ब्रेकर हो, जो कुछ नई बात वो शो कह रहा है, जिस तरह ये है, ऐसा कोई शो नहीं है मार्केट पे या किसी OTT चैनल पे जो इस दुनिया को दर्शाता है, और ये तो एक छोटा हिस्सा है जहाँ मैंने दिखाया कि नेपोटिज्म है, क्योंकि ये सब लोग यही एक चीज़ चल रही है 7 साल से हमारे इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो आपको इस शो में दिखाई देंगी। एक तो हमारे लिए बहुत हम रिलेट कर सकते हैं दुनिया से, आप शायद रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑडियंस का हमेशा एक अल्योर होता है ना, ये एक दो चीज़ हमारे देश में एक तरह से रिलीजन है, क्रिकेट और फिल्में, लेकिन इंडस्ट्री किस तरह चलती है, इसके तौर तरीके यहाँ के लोग कैसे होते हैं, इस शो में वो दर्शाते हैं, तो आई थिंक OTT में आप तो ये भी करना चाहेंगे तो आप भी जो कर पा सकते हैं वो करेंगे, तो इन दैट वे यस नेपोटिज्म डज एग्जिस्ट, बट डज अगर आप मुझसे पूछें मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है, डज इट बॉदर मी, यू हैव आई थॉट अबाउट इट एट लेंथ, यस, और कभी कभी ऐसा भी लगा है मुझे शायद अनफेयर होगा, बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब इस इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं क्योंकि ऑडियंस ने हमें एक्सेप्ट किया है, हमें तो वो प्यार दिया है या वो रिस्पेक्ट दिया है, तो जो भी है इस इंडस्ट्री से ऑलरेडी कनेक्टेड या जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो काम कर रहे हैं उनका काम इतना ऊंचा है और वो इतने टैलेंटेड हैं, ऑडियंसेस के वजह से वो है आज जो भी है, तो दैट्स व्हाट माय टेक ऑन इट। I mean, as she rightly said, nepotism सिर्फ आई थिंक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत टारगेट होती है बिकॉज नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में ही एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हर मतलब इट्स अ फिनोमिनन, इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमिनन, एंड यस मेरा पर्सनल टेक इस पर यह है कि जब तक इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स दोनों को एग्जिस्ट करें
यू नो इट्स अ ब्यूटिफुल फेयर इंडस्ट्री टू बी इन, बट येस चांसेस बहुत कम ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट इम्पॉसिबल. इमरान जी आपने क्योंकि मास फिल्म में भी की है, रुक जा. आपने क्योंकि मास फिल्म में भी की है एंड आपके गाने जो है आज भी चलते हैं रहते, तो आपसे मैं जानना चाहूँ क्योंकि आपने दोस्त ये आपकी दूसरी सीरीज भी है, तो आप मानते हैं कि रेप सीरीज में या ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के गानों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा या नहीं मिल रहा है? मैं चाहता हूँ कि गानों को और भी इम्पोर्टेंस दें. ये परसेप्शन होता है कि गाने सिर्फ थिएट्रिकल बिजनेस या म्यूजिक वीडियो तक ही सीमित रहते हैं. मेरा मानना है कि अगर आप कुछ अलग करें ओटीटी स्पेस में, अगर ये शो बॉलीवुड से कनेक्टेड हैं और इसमें कुछ चंद गाने आ जाएं तो और भी एक तरह से वो एक इंगेजमेंट आ जाती है. तो मैंने आए दिन कुछ 7 दिन पहले ही अपने डायरेक्टर को कहा था कि ये अच्छा गाना ढूंढो जो अच्छा होना चाहिए पहले, ऐसे नहीं पोस्ट फिट हो जाए हमारे शो में, जो बॉलीवुड के अराउंड हो और हम इसको शूट करके शो के पहले यू नो एयर करें. या एग्जैक्टली. तो एक्चुअली हमारे शो में ये दो गाने हैं, एक तो राजीव का एक गाना है जहाँ पर उनका हिस्टर है और मौनी का भी एक इंट्रोडक्शन गाना है और बैकग्राउंड में भी कुछ गाने हैं, लेकिन एक दूसरा प्रॉब्ली प्रमोशनल ट्रैक हो जाए तो एक थोड़ी आदमी भी बन जाती है. तो ये अभी भी अभी डिस्कशन चालू है, बिजली प्लस हॉट का भी अभी डिसीजन लेने वाले हैं. तो आई होप कि उसमें एक एडिशनल चार्ट बस्टर ट्रैक हो बॉलीवुड के बारे में और एक अच्छा सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर का हो. देखिए ये एक फंक्शन है, अगर आप कामयाब हो एक चीज में, और पहले तो ये चीज शुरू होती है अच्छी दो तरफ से शुरू होती है. एक तो ऑडियंस आप चाहती है कि आपको उसमें उस किरदार में उस या तो कुछ आर्किटाइप उस कैरेक्टर के आर्किटाइप में फिर से देखें, लेकिन उससे ज्यादा आई थिंक प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि अगर एक ही उनको दिखता है कि उसमें मुनाफा है पैसे बन गए हैं तो उनको लगता है कि क्योंकि ये एक सेफ्टी नेट है, ऑडियंस इसको पसंद कर रही है और इसको दोबारा दोबारा बार बार करते रहो. लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा कैच 22 है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि मेरे करियर में हाँ चीज़ें चल रही थी लेकिन एक हद तक फिर उसके बाद ऑडियंस को लगता है कि यार प्लीज़ यार थोड़ा सैचुरेशन हो गया है, इसके अलावा कुछ आप हमें दें. तो इसलिए मैंने भी एक तरह से मोल्ड करना बहुत शुरू कर दिया था 2014-2015 में, मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने शुरू कर दिए. लेकिन एक हमारी फिक्रत है कि हम चीज़ों को लेबल करना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर. आई थिंक दिस इज जनरली अ फंक्शन ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, यू वांट अंडरस्टैंड समथिंग. और फिर एक चीज़ किसी एक्टर या यू नो किसी से चिपक जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन किसी SRK के वाइडली सक्सेसफुल, बट आपकी जो की विजुअल SRK का क्या है और ये जो वो हाथ चलाते हैं, तो ये एक वो है, वो टाइपकास्ट.